अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सब लोगों का। मैं हूँ ठीक और आप लोग देख रहे हो उम्मे मोहम्मद व्लॉग्स इन बहरीन। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं बहुत इजी और मज़ेदार रेसिपी जिसका नाम है चिकन वेजिटेबल मकरूनी। ये मकरूनी बहुत मज़ेदार बनती है और ये रेसिपी बताने जा रही है मेरी अम्मी जान। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ छोटी सी आसान सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ चिकन वेजिटेबल मकरोनी। ये मैंने लिए मकरोनी लिए एक पैकेट 500 ग्राम का, चिकन लिए 400 ग्राम, सब्ज़ मिर्चियाँ 7 से 8 अदद, अदरक लहसुन ज़ीरा और खुश्क धनिया ये मैंने 1 टी स्पून लिया है, और एक शिमला मिर्च ली है मैंने, गाजर ली है 2 अदद, और 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर लिया, 1/2 टीस्पून हल्दी ली है, 1 टीस्पून नमक लिया। नमक तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं ना, इसका कोई इशू नहीं है। और टमाटर मैंने लिए 3 से 4 अदद। ये अदरक लहसुन सब्ज मिर्चे ज़ीरा खुश्क धनिया और टमाटर ये मैं डाल के ग्राइंड कर लूँगी ना, पीस लूँगी, ग्राइंडर में डाल के पीस लूँगी, या जैसे आप चॉपर में करना है जैसे भी है, लेकिन उसका पेस्ट बनाना है ना। इन चीज़ों को मैं पेस्ट बना लूँगी ना, पेस्ट बना के तो आधा कप मैंने ऑयल लिया है। ये बहुत मज़े की बनती है रेसिपी, ये बहुत आसान और झटपट बन जाती है। और चिकन को एक क्यूब मैंने छोटे छोटे काट लिए ना, वो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से छोटे बड़े जैसे भी काटना काट लेना। और टमाटर मैंने 3 इंच बड़े से बड़े लिए, वो रेड कलर के लिए ना, रेड कलर के टमाटर लेने से ये होगा कि टमाटर वो मकरूनी का रंग बहुत अच्छा आएगा ना, कोई कलर आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई केचप डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए मैंने पानी उबालने के लिए रख दिया ना, और उसमें 2 टेबल स्पून मैंने नमक डाल दिया और वो भी मकरूनी डाल दी है ना। मकरूनी ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 8 मिनट के अंदर तैयार हो जाएगी ना। ये बहुत मज़े की रेसिपी बनती है, आसान सी झटपट है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मकरूनी मैंने निकाल ली है, इसी पैन में मैंने मकरूनी उबाली थी, और अभी मैंने मकरूनी निकाल के इसमें 1/2 कप ऑयल डाला ना, और चिकन क्यूब मैंने छोटे छोटे क्यूब करके डाल दिए ना। देखिए अभी चिकन का कलर थोड़ा सा चेंज होगा ना, वाइट कलर तक आ जाएगा। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट के अंदर इसका कलर चेंज हो जाता है ना, क्योंकि बोनलेस चिकन है, दूसरा नहीं है ना। इसमें मैंने सारे मसाले ऐड कर दूँगी, रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून मैंने डाला है, क्योंकि मैंने रेड ग्रीन चिली ज़्यादा डाली थी, और ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं ना। हल्दी डाली है, नमक डाला है, नमक तो आप देख लें कम या ज़्यादा वो आप कर सकते हैं। मैंने 1 टीस्पून डाला था ना, क्योंकि पानी में मैंने 2 टेबल स्पून डाला था ना, इसलिए। ये मैंने जो पेस्ट बनाया है टमाटर सब्ज मिर्चे अदरक लहसुन और ज़ीरा खुश्क धनिया डाल के मैंने पेस्ट बना लिया था ना, ये देखिए ये भी मैं ऐड कर दूँगी। ये मैंने डाला और ज़्यादा से ज़्यादा ये मैंने 2 मिनट दम पे रखे ना, ज़्यादा नहीं रखना, 2 मिनट दम पे रखेंगे, और पानी डालने की ज़रूरत नहीं। इधर मैंने मकरूनी जो डाली थी ना बना के रखी थी, वो देखे वो भी बिल्कुल तैयार है ना। अभी मैं इसमें ना गाजर मैंने डाल दी है, गाजर मैंने कद्दूकश की थी, क्योंकि छोटी छोटी काटो तो वो बच्चे निकाल देते हैं, ये कद्दूकश की हो तो बच्चे नहीं निकालते ना, टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा आता है, और ये जो मसाला मैंने पीस के डाला था इसका टेस्ट भी मकरूनी के अंदर तक लग जाता है ना, तो ये बहुत मज़े की बनती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। शिमला मिर्च ये मैंने 2-3 सब्ज मिर्चें वैसे ही साबुत डाली थी, और शिमला मिर्च एक वो भी बारीक मैंने काट दी थी। ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 मिनट इसको पकाए ना, 2 मिनट के बाद ये ऑयल ऊपर आ जाएगा, और इसमें आप फिर मकरूनी ऐड कर देना। देखिए कोई मुश्किल नहीं है, कोई बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तकरीबन मकरूनी 1/2 घंटे के अंदर तैयार हो जाएगी ना। सारी चीज़ें आपकी तैयार हैं तो फिर तो ज़्यादा ज़्यादा 10-15 मिनट लगेंगे ना। ये देखिए मसाला भुन गया ना, इतना ही रखना है ना। बहुत मज़े की बनती है, झटपट बनती है, मेरे बच्चे तो माशाल्लाह बहुत शौक से खाते हैं, और ये
देखिए हर एक किसी का बनाने का तरीका अलग होता है, मैं इस तरीके से बनाती हूँ, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, मेरे बच्चों के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह आप सब के बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, मेरे बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। अल्लाह ताला हर मोमन को हर बुरी आफत से हर बला से बचाए। ये देखे घी ऊपर आ गया ना, ये मसाला बुन गया है, इसको भूनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती ना, ना इसमें स्मेल आती है ना कुछ। देखे मकरूनी जो मैंने उबाली थी उसमें यानी कि ज़्यादा नहीं उबालना ना, ज़्यादा अगर उबालेंगे तो अब अंदर डालेंगे तो मिक्स ऐसे अच्छा नहीं लगता, मकरूनी लहदा लहदा होगी तो वो आपको इतनी अच्छी लगेगी ना। और कलरफुल इसमें देखो ग्रीन, वो शिमला मिर्च भी ग्रीन नज़र आ रही है, ज़्यादा नहीं मेल्ट हुई, और जो गाजर है वो भी सारा कलरफुल, इतनी मज़े की और खूबसूरत भी लगती है आँखों को, जो चीज़ देखने में खूबसूरत लगती है वो तो खाने में भी माशाल्लाह अच्छी लगती है ना। देखिए अभी मैं इसमें थोड़ा सा ना ये ऐड करके मिक्स करती हूँ मैं, बस अभी मिक्सिंग करनी है, और दम पर रखने की ज़रूरत नहीं। अगर देखिए आप पानी है इसमें, अगर मसाले में थोड़ा आप देख रहे हैं तो फिर आप बेशक उसमें 2 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए बंद कर दे चूल्हा। अभी मैं थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डालूँगी, इससे और कलरफुल हो जाएगी ना। ये देखें सारी चीज़ें फ्रेश है, कोई ये जो है वेजिटेबल वगैरह, वेजिटेबल आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा या आपने कुछ और ऐड करना है। मेरे बच्चे शिमला मिर्च और ये गाजर वगैरह ये इस तरह की खाते हैं, वो दूसरा नहीं बीन वगैरह वाली नहीं खाते ना, तो इसलिए मैं इस तरह बनाती हूँ। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े की बनती है, टेस्ट इसका इतना लाजवाब होता है कि आप बनाएंगे तो आप याद करेंगे ना। दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आइए देखिए कितना प्यारा लुक लग रहा है, अभी आप फाइनल लुक साथ आपको दिखाता है, टेस्ट करके भी और वैसे भी ना। बस मैं वापस आ गया हूँ, ये मकरोनी बहुत मज़ेदार बनी है, मैंने तो पूरी एक प्लेट खा ली है, ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनी थी, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और हम लोगों को कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। मैंने इसको बहुत मज़े से खाया, आप लोग भी इसको ज़रूर बनाइएगा और टेस्ट कीजिएगा, और हमें कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अलग वीडियो में मुलाकात होती है, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा मुझे, अल्लाह हाफिज़।